टन। लोग अपनी मत ना क्यों नहीं सोचते, कई लोग अपनी मत नाल क्यों नहीं सोचते, क्यों चलन लग पे ने चाल भेड़ जी, क्यों चलन लग पे ने चाल भेड़ जी। तुहानू सुन के हैरानी होवेगी, तुहानू पढ़ के हैरानी होवेगी, जेड़े वोटां तो पहला इकट्ठे होके बदलाव की गल करते सी, जेड़े वोटां तो पहला इकट्ठे होके बदलाव की गल कर रहे सी, हुण बदला 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 रहे ने खेड़ जी। क्यों बदला 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 रहे ने खेड़ जी। विपत्ति नवा शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी, तुसीं शेयर तो अंदाजा ला लैंदे हो वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों सियासत की गल करांगे, नवे शहर की सियासत की गल करांगे, बहुत सारिया गल्लां ने। नवे शहर के हाल ज्यों दे त्यों उत्थे ही खड़े आ, जिथे पहला टोए सी उत्थे ही फिर टोए आ, डूंगे होई जांदे आ, जिथे पानी खड़दा सी उत्थे ही पानी खड़दा है, जिथे लोगों नूं दवाइया नहीं मिलदियां सी उत्थों ही नहीं दवाइया मिलदियां, जिथे लोगों का इलाज प्रॉपर ढंग दा, मैं नहीं कहिंदा कि सारिया का नहीं हो रहा, मीनस 100% नहीं हो रहा, उत्थे ही सारे का 100% इलाज नहीं हो रहा, सारे सैटिस्फाइड नहीं आ, सैटिस्फैक्शन लैवल सारे नूं नहीं मिल रहा। और नाल दी नाल बहुत सारिया गल्लां ने सियासत नूं लैके, जिवें तुहानूं अज एक पोस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, मैं थोड़ा जिहा गल नूं इस करके लटका के करे लमका के करे ता जो होर वीर भैण भरा जुड़ जाण, पर जिहड़ी मैं शेयर बोलिया उस गल नूं शुरू करिए, उस तो पहला मैं तुहानूं एक तस्वीर दिखाउणी चाहुंदा जी। असी बहुतियां वीडियो भी नहीं कर पा रहे पिछले दो दिनों तो, खबरां बहुतियां नहीं कर पा रहे, उहदा कारण यह है कि आह तस्वीर मैं तुहानूं दिखाउणी चाहुंदा जी, तां बहुत जल्दी ये पोस्ट नूं असी शेयर भी कर देंगे। और शहीद आजम सरदार भगत जी नूं, भगत सिंह जी नूं ट्रिब्यूट दिंदे हुए असी एक गीत तैयार किया, साडी बहुत जल्दी गीत ते दी वीडियो जिहड़ी आ असी अपने चैनल ते उजागर करांगे, क्योंकि असी किसी नूं चंगा माड़ा नहीं बोलते, असी सिर्फ कानून अगे सरकारां अगे बेनती करांगे कि साडे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी नूं शहीद का दर्जा दिता जाए, ता जो कोई उन्हां दा अपमान ना कर सके। मैं बस इन्नी गल कहनी चाहांगा, क्योंकि शहीद भगत सिंह नगर विच रहिंदे आ, सिर्फ टौर बनाउणी कि मैं शहीद भगत सिंह नगर विच रहिंदा इत्थे तक गल जरूरी नहीं है, सिर्फ इत्थे गल नहीं निबड़दी, इत्थे नबेड़े नहीं हुंदे, साडे मोढ़ियां ते ज़्यादा भार है, शहीद भगत सिंह नगर विच रहिंदे आ ते शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दी सोच ते ठोक के पहरा देना, सच नूं सच कहना, कच नूं कच कहना, ते सच और कच दोवें चुभदे बहुत। हुण तुहानूं मैं एक पोस्ट पढ़ाउण जा रहा जी, जो अज शाम तो वायरल हो रही है, सानू साडे कई फ्रेंड्स ने भेजी, लेकिन असी जिवें तुहानूं पहले दस्सिया कि सौंग विच बिजी सीगे तां ध्यान नहीं दे सके, तां हुण मैं तुहानूं मनदीप सिंह अटवाल इन्हां दी एक पोस्ट है जिहड़ी शेयर हो रही है, आम आदमी पार्टी दे सीनियर लीडरशिप नूं, इह मनदीप सिंह अटवाल कह रहे हैं। विजय किन्ने क वीर भैन भरा जुड़ गए ने मैनूं दस दो, क्योंकि मैनूं अंदाज़ा नहीं है, जुड़े हुए ने ठीक ठाक ने। मनदीप सिंह अटवाल कहिंदे ने आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप नूं अपील है कि पार्टी वालों जो जिला दफ्तर खोले जा रहे हैं, ध्यान नाल सुन लो, मनदीप सिंह अटवाल जो सतनाम सिंह जलवाहा के बहुत करीबी ने, उन्हां नाल ही अक्सर देखे जाते हैं, राहों रोड से भी एक पैलेस में जदों इलैक्शन दौरान टिकट नहीं मिली सी सतनाम सिंह जलवाहा नूं, तां इन्हां ने रोस प्रकट किया, कुछ लोग कहिंदे रोस जायज़ भी आ, बहुत सारे इन्हां दे हमायती कहिंदे कि रोस जायज़ भी है, क्योंकि तकरीबन 100 तो वधेरे पिंडां दे लोग इकट्ठे होए सी कि जलवाहा सतनाम सिंह जलवाहा पिछले 10 साल तो मेहनत कर रहे आम आदमी पार्टी लैके, उन्होंने टिकट क्यों नहीं मिली। हुण फिर द्वारती मनदीप सिंह अटवाल का गुस्सा जिहड़ा आ उह बाहर निकलिया, मनदीप सिंह अटवाल कहिंदे आ आम आदमी पार्टी दी सीनियर लीडरशिप नूं अपील है कि पार्टी वालों जो जिला दफ्तर खोले जा रहे हैं, ध्यान रहे, स्ट्रैस है, ध्यान रहे, ओ लोकां दे नकारे होए किसे मौका प्रस्त लीडर दी कठपुतली बन के ना रहन। सो इत्थे मनदीप सिंह जी मौका प्रस्त लीडर किनूं कह रहे आ ते कौन किहदी कठपुतली बन रहा, ये चीज़ नूं उन्हां ने शो नहीं किया, उजागर नहीं किया, लेकिन असी नूं अंडरलाइन करदे आ मौका प्रस्त लीडर कौन है, मनदीप जी इस गल नूं भी स्पष्ट कर दो। और नाल दी नाल उत्थे हर आम ते खास दा बिना भेदभाव ते बिना बदलाखोरी तो काम होवे, मनदीप जी ये भी दसो कौन बदलाखोरी दी नीति ते चल रहा है, कौन भेदभाव कर रहा है, ये भी दसना बहुत जरूरी है, क्योंकि
आम आदमी पार्टी तो शुरू तो कहती असं सच न सच कहने तो प्लीज़ नाम भी दसो उस दफ्तर किसी को शर्मिंदा होकर बाहर ना निकल ना पवे किनू शर्मिंदा किया गया कौन बाहर निकलिया ये वड्डा सवाल है जिवें हुण मौका प्रस्त लीडरां दे लीडर दे निजी दफ्तर विच्चों निकलना पै रहा इट मीनस कोई निकलिया किसी ने अपनी गल तुहाडे तक पहुँचाई है कि तुसीं कोलों कह रहे हां ये गल जरूर सांझी करो कौन किहदे दफ्तर चों निकल रहा है ना बेईमानी कीती है तो ना बेईमानी बर्दाश्त करांगे कौन बेईमानी कर रहा है किहदी बेईमानी तुसीं बर्दाश्त नहीं करोगे वह भी लिखना जरूरी है क्योंकि तुहाडे तां सरकार नेड़े है जिद्दण मैनूं याद है मंत्री साहब आए ने सिविल हस्पताल विच सिविल हस्पताल का मुआयना करन तुहाडी गड्डी सिविल हस्पताल दे जिहड़े विच जदों एंटर कीते आ मंत्री साहब तुहाडी गड्डी ते सतनाम सिंह जलवाहा दी गड्डी तां पिछे सी तुसीं तां उजागर करो कौन है जनता नूं भी तां ही पता लगेगा इउं गोल 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 ना घुमाओ पर इहदे उत्ते लोकां दी प्रतिक्रिया वी आ रही आ उह कहिंदे आ जसपाल सिंह कह रहे आ अपने वाला तो निकम्मा ही है अपनी मैं पिया है कौन पिया है फिर उस तो बाद अंकुश संभर कह रहे हैं भाजी पार्टी दफ्तर विच आम जनता नूं जाना क्यों पै रहा है कम तो वैसे ही सब दे होने चाहिए सो दिस इज द बिग कॉमेंट ये सब तो वड्डा जवाब है जिहड़ा अंकुश संभर जी ने दिता है अंकुश संभर जी कहिंदे आ कि पार्टी दफ्तर च क्यों जाण लोग ये गल है क्यों किसी की लड़ाई है दो धिर की लड़ाई है दो गुटबाजी बनी हुई है कोई कहता मैं वड्डा दूजा कहता मैं वड्डा लोग पार्टी दफ्तर क्यों जाण जिवें कितना रिपोर्टर कितना जिन्हें आर टी आई एक्टिविस्ट ने उन्होंने भी एक पटीशन पाई हुई सी उन्होंने भी एक गलबात अगे रखी सी कि जिहड़े नवांशहर के एम एल ए साहब है उन्होंने क्यों नहीं अगे आण दिता जा रहा हालांकि मैंने पूरी मैं डिटेल वह भी तुहाडे सामने जरूर कितना जिन्हें इंटरव्यू करके रखागा तुहाडे सामने लेकिन जिनी कु मेरे समझ पई सी उन्हां दी जिहड़ी उन्होंने लैटर लिखी सी डीसी साहब नूं मैं उहदे आधार ते बोल रहा कि एम एल ए नछत्तर पाल जी नूं क्यों उन्ना मौका नहीं दिता जा रहा और जिन्ना कु मैनूं समझ लग रही हो सकता मेरे शब्द गलत ही होण उत्थे ही अंकुश संभर जी एक बहुत अच्छी गल कह रहे आ पार्टी दफ्तर की लोड़ क्यों है जब केजरीवाल साहब स्टेजा तो बोलते हैं भगवंत मान ने भ्रिष्टाचार खत्म कर दिया कोई भ्रिष्टाचार है ही नहीं कोई माड़ी हरकत हो ही नहीं रही फिर पार्टी दफ्तर तो असं ये नहीं कहते कि पार्टी दफ्तर तो चंगा काम नहीं होंगे तो कितना जी की जड़ी परविंदर सिंह कितना जी ने जी पोस्ट पाई है वो आधार पर गल करे ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से वैर जदों अकाली भाजपा राज वेले कांग्रसी विधायकों नहीं पुछया जा रहा सी आपा उदो भी विरोध किया जदों कांग्रेस राज वेले अकाली अते आप विधायकों नहीं सी पुछया जा रहा असी उदो भी विरोध किया हुण आम आदमी पार्टी के राज वेले अकाली ज बसपा विधायक नहीं पुछया जा रहा हुण असी विरोध कर रहे हाँ मीनस परविंदर कितना जी ने यह व्यो विरोध किया उन्होंने मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब जी ने चिट्ठी लिखे जिस आप जी के ध्यान में लिया जा रहा है कि नवांशहर बंगा हल्कों नवांशहर बंगा हल्कों सरकारी दफ्तर बहुत सारे काम आम आदमी पार्टी के चोण हार चुके उम्मीदवार होर आगुआ द्वारा किए जा रहे हैं बाकी हल्कों अजिहे काम सत्ताधारी पार्टी के विधायकों द्वारा किए जा रहे हैं तो इस करके ये जो परविंदर कितना जी ने तो स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा जिहड़ी एप्लीकेशन माणयोग डिप्टी कमिश्नर साहब नूं भेजी है कि अकाली जदों पार्टी सत्ता विच सी उदों कांग्रसी जिहड़े विधायक सी उन्हां नज़रअंदाज किया जाता सी ते जदों कांग्रेस की सरकार आई फिर अकाली अते आम आदमी पार्टी के जिहड़े विधायक उन्हां नूं नज़रअंदाज किया जा रहा सी हुण इह कहा जा रहा है कि डॉक्टर नछत्तर पाल जी नूं नज़रअंदाज किया जा रहा इस गल तो यह समझ लगती है लेकिन मैं फिर तो ही गल करूँगा अंकश सब्बर जी कहिंदे ने क्यों पार्टी दफ्तर चो सरकार चलेगी जब चुने हुए नुमाइंदे ने जब ब्यूरोक्रेट्स ने ऑफिस विच जिथे सरकारी दफ्तर जिथे काम होना है उत्थे लोगों सही सहूलत मिलनी चाहिए है नाल दी नाल दास भगवान कह रहे हैं बिल्कुल सही गल अज 24 करोड़ घपले का पर्दा फाश
करन वाले ये भुल गए कि यह कपड़ा उन्होंने द्वारा ही किया गया। दास भगवान जी कि द्वारा किया गया कपड़ा, कौन पर्दाफाश कर रहा है? तुसी गुस्से वाले इमोजी तो भेज दते, लेकिन दसना बहुत जरूरी है। पक्षपात ते बॉस वाली राजनीति हुण नहीं चलन देनी। कौन पक्षपात कर रहा है, कौन बॉस वाली राजनीति ते उतर आया? तो इस गल का साढ़े तक होर खबर पहुंची है कि इस गल का जवाब शायद हरप्रीत सिंह पाला कंग उन्होंने देने की कोशिश की। वह की लिखते हैं, आम आदमी पार्टी के चोणों दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नुकसान करने वाले ते हंकार नाल लबरेज एक मौका प्रस्त, यह भी किसी मौका प्रस्त कह रहे। नाउ हू इज दिस मौका प्रस्त? यह मौका प्रस्त कौन है? मनदीप सिंह अटवाल किन मौका प्रस्त कह रहे थे कि उही लोग ने जेड़े थां थां ते जाके एक दूजे के नाम से ताड़ियां वजवाते कि अज इन्हां नूं अपनी मैं ज़्यादा वड्डी आ कि जिहड़ी बदलाव की गल की सी कि लोगों सुविधावां मिलणगियां सहूलतां मिलणगियां वो गल ज़्यादा वड्डी है। जी विजय जी की दिखाना चाहते हो जी? तो ये कहिंदे ने मौका प्रस्त खास आदमी बने हुए शहर विच लोगों की सेवा लई खुले हुए दफ्तर की ईरखा वस आलोचना की है कि ईरखा वस आलोचना की है। ये होर कोई गल जो मनदीप सिंह ने गल आखी है, असल में जिस गरीब गुरबे का कोई काम किसी दफ्तर में नहीं हुंदा इस दफ्तर पहुँच कर लैंदा है तो दफ्तर सेवक वलों उस समय फोन करके संबंधित अधिकारी नूं पुछ लिया जाता। नाउ अगेन दिस इज द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू, जो अंकुश जी ने कहा क्यों सरकारी दफ्तर में काम नहीं हुंदा? चंगी गल है कि जे जिला दफ्तर जिहड़ा पार्टी का जिला दफ्तर उत्थे लोग पहुँचते हैं तो उन्होंने काम होंगे, ये चंगी गल है। पर क्यों जी हर रोज़ लोग पहुँचते हैं, क्यों लोगों गेड़े बजाए जाते हैं? जिहड़ा अधिकारी लोगों का काम सही नहीं करता उहदे तक डायरैक्ट जाके क्यों नहीं पहुँच की जाती? उन्होंने क्यों नहीं कहा जाता कि अपना काम सही कर? तो उस तो अगे लोगों का काम होण कारण दफ्तर सेवक की वध रही लोकप्रियता कुछ घमंडी लोगों तो बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वह बकवासबाजी उपर उतर आए हैं। तो बकवासबाजी क्या गया जी हरप्रीत सिंह पाला कंग होना वालों, और यह मनिया जा रहा कि उन्होंने रिप्लाई किया मनदीप सिंह अटवाल नूं। तो हुण जिला दफ्तर में कौन बहिंदा है कौन नहीं बहिंदा आप सब जी नूं भली भाती पता है। तो हरप्रीत सिंह पाला कंग कहिंदे ने कि जो काम सरकारी अदारिया च नहीं हुंदा वो फिर जो जिहड़े जिला दफ्तर के सेवक ने उन्हां कोल आउंदे ने उह फोन करदे ने ते काम हो जांदा है। तो आप जड़ नूं लभीए, जड़ यही है कि क्यों नहीं फिर जिहड़े सेवक साहब ने वो रोज़ सवेरे एक एक बारी सारे नूं फोन ला देंदे कि भाई अज मेरे कोल कोई बंदा नहीं आना चाहिए, सारयां दा काम होना चाहिए। क्यों जिहड़े आम पब्लिक है पहला वो दफ्तर च जांदे आ, फिर सेवक साहब को आउंदे आ, फिर सेवक साहब फोन लगाउंदे आ, फिर बंदे जांदे आ, फिर बंदे सेवक साहब को आके धन्नवाद करदे आ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, पर जो अंकुश संभर जी ने कहा मैनू वो गल बहुत चंगी लगी आ कि यकीनी बनाया जाए कि किसी नूं सच्चे काम लई तंग अते परेशानी का सामना ना करना पवे। वोटा ओवर हो गई ने, तुहानूं जिहड़ा पसंद सी तुसीं उहनूं वोट पा दित्ती, 92 लोगों ने 92 जिहड़े जेतू ने आम आदमी पार्टी दे एक हवा चली है, एडा वड्डा फतवा भगवंत मान उन्हां दे नाम ते मिलिया है। हुण लोगों के काम होने चाहिए, 2027 च अगली विधानसभा इलैक्शन आनी आ, 24 च की होना है वो तुहानूं सब नूं 24 च पता लग जाना। आप उहदे ते कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि हर रोज़ समा करवट लैंदा कौन कसौटी ते खरा उतरदा है आने वाला समा दसदा। लेकिन परंतु जिहड़े अज खुद नूं लीडर साहिबान कराउंदे सी किसी एक की गल नहीं करते, हर एक की गल करते हैं किसी भी पार्टी का, चाहे हारी हुई पार्टी का, चाहे जीती हुई पार्टी का, चाहे कोई सेवक है, चाहे कोई लीडर का बहुत नेड़ला है। असी ये कहने कि लोगों को सहूलत मिले। मैं एक गल जरूर कहनी चाहागा, ठोक बजा के कहनी चाहागा, मैं हर एक बंदे नूं अप्रोच कर लिया, मौजूदा विधायक जी ने भी गलबात कर ली है, हलका इंचार्ज साहब ने भी गलबात की है, जेडे आम आदमी पार्टी के पंजाब लैवल दे यूथ दे सैकटरी ने उन्होंने भी गलबात कर ली है। हर एक तक गरीब गुरबिया की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है कि मालको महाराज
जिहड़ी सिविल हस्पताल विच पूरी दवाई नहीं मिल रही, परची ते दो तीन टिक्स ने, उस तो बाद दो तीन दवाइया जिहड़ी अगर पांच छे दवाइया लिखिया बाकी बाहरों लैनिया पैंदियां ने। माए बाप लोगों की मदद करो, उत्थे दवाइया पहुँचा दो। क्यों क्यों गल नहीं पहुँच रही उच्च अधिकारियों तक, क्यों सरकार तक गल नहीं पहुँच रही? ये मेरा कल का मुनाफा नहीं है, लेकिन जाके आओ। थोड़े दिन पहला असी एक आम आदमी पार्टी के आगू ने गलबात की सी, वह कहते 900 तो 1000 की ओपीडी होगी। तो महाराज वड्डे वीर जी ये समझो कि 1000 बंदा सैटिस्फाइड होकर बाहर नहीं आता, किन्ने निराश होकर आते, किन्ने हताश होकर आते, वो कितने जा, किदे मां नूं मासी कहण, किदे अगे नक रगड़, किदे अगे गोडे टेकण। वो तुहाडी जिम्मेवारी है, तुहाडी सरकार बनी है, उन्हां दे मसले हल करो। असी तां सिर्फ इक्को लड़ाई लड़ना चाहुंदे नवें शहर विच, इक तां लोकां नूं, मैं अपनी गल करदा, तुहाडियां होर भी बहुत सारियां मशक्कतां हो सकदियां ने, मुसीबतां हो सकदियां ने, लोकां नूं दवाई मिलनी चाहीदी है। किन्ना लोकां दा शोषण हुंदा, मैं वड्डे वड्डे डॉक्टर्स जो प्राइवेट बैठे उन्होंने खिलाफ ही है, लेकिन कितनी महंगी महंगी पर्ची है तुहानू अंदाजा है? और जो बंदा सानू कोई नहीं पता, जाओ जी सिंड्रम फिंड्रम ये वो अपने वो तत् दस देंगे जेडे साडे सिरों तो निकल जाते हैं। उस तो बाद वड्डे वड्डे टीके लगते हैं, फाइनैशियल टीके 25-25-30-30 हज़ार तो इं बनता, गरीब बंदा कितों मैनेज करेगा? वो सरकार ने देखना, कोई रेट निर्धारित हो, कोई बैलेंस किया जाए हर एक चीज़ को, लोग किन्ने धक्के खाणगे। ये साड़ी परेशानी कल्या दी नहीं आ, पूरे नवें शहर च मैं नहीं कहिंदा, एक आप आगू कहिंदे कि 1000 बंदे दी ओपीडी होगी, तो खड़ के देखो उत्थे सारा दिन कि लोग सैटिस्फाइड ने कि सिर्फ जो तो मंत्री साहब आते उन्होंने कहना हाँ जी हाँ जी जी आ लोग खुश है, क्योंकि मंत्री साहब तो खुद कह रहे थे मेरा पहला दिन है मैनू नहीं पता। असी मंत्री साहब न अपन तकलीफा दसागे तो जाणू होगे। आई एम नॉट अगेंस्ट द डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हाँ, सिविल सर्जन साहब पूरी तनदेही ना काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत ना काम कर रहे, पूरे पब्बा पा रहे सिविल सर्जन साहब, लेकिन जेडे उच्च अधिकारी ने जेडे सरकार चला रहे ने इस समय जेडे मंत्री साहब ने उन्हां तक कौन अपनियां तकलीफां पहुँचाएगा जी कि इन्ने लोग मुड़ के जा रहे हैं जिन्होंने पूरी दवाई अंदरों नहीं मिलती, सानू इन्ने होर डॉक्टर रिक्वायर्ड ने। एक मैं होर गल करनी चाहना, असी हमेशा ही ये गल आखते हाँ कि चलो जी, मतलब अगर शहर जिहड़े लोग ने, मैं उन्होंने गल करा, तो शाम को डॉक्टर को जाते हैं, देखो जाके कभी प्राइवेट डॉक्टर्स जिहड़े शाम को उन्होंने हस्पताल भरे होंगे, क्यों भरे होंगे? क्योंकि सवेरे उन्होंने अपनी दुकाना खोली, उन्होंने नवा शहर ज़्यादा तबका दुकाना वाला है, तो शाम को जाके जिहड़े डॉक्टर के बाहर हर एक बंदे की फाइल लगी हुई है, मैं गलत नहीं बोल रहा, किसी को शुगर किसी को बीपी, डॉक्टर ने हरेक बंदे की फाइल लाई हुई है और वो एक तरह की किश्त चलती है जी हर महीने की, तो वो लोग भी तो सरकारी हस्पताल जा सकते हैं। मैं चाहना कि बदलाव आवे, बदलाव आवे, मैं चाहना कि डॉक्टर सिर्फ 3 बजे तक ना बैठन। हाँ मैं ये नहीं कहता कि जेडे सवेरे बैठे उन्होंने शाम को बधाओ, डॉक्टर्स होर रिक्रूट करो, 3 to 7 की भी शिफ्ट होनी चाहिए सरकारी हस्पतालों में, लोगों होर जेडे प्रॉब्लम्स विच ने, डिसीज़ जिन्हों किसी ने फड़ लिया, जिसकी कोई क्रॉनिक बीमारी है, उन्हें शाम को भी डॉक्टर्स देखण। तो मैं लगता विजय नूं भी लैक्चर चंगा लग रहा, पर नाल दी नाल मैं एक बार जिहड़े वीडियोज़ ते कॉमेंट आ रहे हैं मैं तुहाडे नाल जरूर सांझे कर देवां, क्योंकि देखो परसनल किसी की नहीं लड़ाई होनी चाहिए, जे लड़ाई सेवा करन दी है तो सारे रल मिल के करो। आपां तुहानूं हुण कॉमेंट्स सुना दिंदे आ जिहड़े इस वीडियो ते कॉमेंट्स कर रहे आ जी। बराड़ हरमीत कह रहे ने गरीब नूं कोई नहीं पुछदा, बराड़ साहब मेरा भी खदशा ही है। प्रदीप राणा कहिंदे कुर्सी दा भुखा सी, पहला विरोध करता सी फिर नाल हो गया, बस दिल विच सी सीट हार जावे तो अगली बार, मैं ये पोस्ट अज पहाड़ गए मनदीप कोलों पवाई गई है। चलो ये उन्हों का कहना। सानी साहब कह रहे हैं कि सेवा हस्पताल 20,000 रुपया लग्या बेबी ते, वो भी बेबी आज भी एडमिट किया हॉस्पिटल च, कादी केयर दसो नवा शहर विच। देखो वो आ रहे ना गल, मैं किसी हॉस्पिटल वाले नूं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि जो यूक्रेन का मसला होया असी कलाम रोड से एक परिवार को मिले, वो बाप ने रोंदे हुए कहा कि इंडिया में 1 करोड़ रुपया मंगया तो यूक्रेन 20 लाख रुपए ना मेरा बच्चा डिग्री करके आएगा। जे डिग्रियां सस्तियां होण तां किहदा दिल करदा किसी नूं लुट्टण नूं, जद करोड़ करोड़ रुपया देकर डिग्री करनी है, फिर करोड़ों के हस्पताल बनाने, फिर करोड़ों दीआं मशीनां लैके आनियां, वो पूरे कित्थों होणे आ?
ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਊਂਗਾ। ਮਨੂ ਰੱਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਰਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਇਉਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 150 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਘੇਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇਉਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦਵਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀਪਤੀ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਪੀ ਬੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।